नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे पर दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री धामी चमोली हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से मिलकर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस मैदान कुपेश्वर ने मुख्यमंत्री ने चमोली हादसे में हताहत होमगार्ड के तीनों जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये बहुत हृदय विदारक घटना है, राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा और इलाज की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी हम लोग तहत में जाएंगे और जो भी मिनिस्ट्रियल जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और राज्य सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे से संबंधित हैं, अन्य आगे की सुविधाएँ हैं या अन्य इलाज हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हर संभव इसमें हताहत हुए हैं पारिवारिक जनों को और घायल हुए हैं उनके लिए सभी प्रकार की जो भी इलाज के लिए व्यवस्थाएँ हैं, अन्य व्यवस्थाएँ हैं, वो राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन। सर,